हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। ज्योति भारती खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट कस्टर्ड। इसे बड़े और बच्चे सभी पसंद करते हैं और गर्मी में इसे बहुत इंजॉय किया जाता है। तो चलिए आप देरी ना करते हुए बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रूट कस्टर्ड। यहाँ पर मैंने एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये अनार भी हमने छील लिए हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मैंगो के टुकड़े काट लिए हैं और यहाँ पर हमने ग्रेप्स रखे हैं। ये हमने लिया है वेनिला का कस्टर्ड पाउडर। किट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो आप अपने पसंद का फ्लेवर यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 गिलास दूध। ये लगभग 500 ग्राम के समथिंग दूध है और एक कटोरी में हमने थोड़ा सा दूध अलग से निकाल के रखा है। यहाँ पर हम चीनी का भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस पर एक तपेली में 1/2 लीटर दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। दूध गर्म होने लगा है। अब हम इसे इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे और दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक, हल्का पीला कलर होने लगेगा तब तक इसे पकाते रहेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम शक्कर लिए। आप जितना भी मीठा या फीका पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाएंगे उसके हिसाब से आप शुगर ऐड कर दीजिए। अब हम इसी को इसी तरीके से चलाते हुए दूध को पकाते रहेंगे और इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसका हल्का कलर चेंज होने लगता है। जब हल्का पीला या क्रीम कलर का दिखना लगता है तब हमारा दूध पककर तैयार हो जाता है। देखिए दूध कितना अच्छे से उबल रहा है और इसे पकने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगता है। हम इसी तरीके से साइड से चलाते हुए पका लेंगे दूध को और इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्योंकि दूध जो 1/2 लीटर है वो बचकर 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम के बीच में रह जाएगा, तब हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार होता है। तो देखिए यहाँ पर दूध अच्छे से उबल चुका है। हम फिर भी बीच बीच में से चलाते जाएंगे ताकि ये तली में नहीं चेटे और आसपास भी जो चिपक रहा है दूध उबलने के बाद उसे भी हम इस चम्मच की सहायता से अच्छे से साइड से निकाल देंगे और मिक्स करते जाएंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ी पतली है, तो हमें दूध को और भी पकाना है। अब हमने एक बाउल में जो दूध निकाल के रखा था, ये हल्का कुनकुना दूध है और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर हमने 1/2 लीटर दूध लिया है इसलिए 2 चम्मच सफिशेंट रहेगा टेस्ट के लिए। तो देखिए हम चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करेंगे कटोरी में ताकि लम्स ना रह जाए और जो गुठलियाँ हैं वो नहीं रहें, इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, जो कस्टर्ड पाउडर है वो इसमें अच्छे से घुल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हम चम्मच की सहायता से इसी तरीके से इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, घोल देंगे दूध के अंदर ताकि कोई गुठलियाँ ना रह जाए और ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है दूध के अंदर, जो हमारा कस्टर्ड पाउडर है वो पूरी तरीके से घुल चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है दूध की। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद दूध भी अच्छे से उबल चुका है और देखिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई है। इट मीन्स हमारा दूध अच्छे से पक गया है। अब हमने जो कस्टर्ड पाउडर का घोल तैयार किया है उसे धीरे धीरे डालते रहेंगे। हम एक साथ इसमें नहीं डालेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालकर अच्छे से चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। देखिए इस तरीके से अगर हम एक साथ डाल देंगे तो इसमें जो है गुठलियाँ पड़ जाती हैं और वो पूरा मिक्स नहीं होता है, जगह जगह इस तरीके से गुठलियों जैसा बन जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर का घोल ऐड करते हैं और इसे चम्मच की सहायता से चलाते जाएंगे। देखिए थोड़ी देर में ये गाढ़ा होने लगेगा। हम इसी तरीके से चम्मच की सहायता से इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, थीकी हो गई है। हम इसी तरीके से चम्मच से चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और गर्मियों में इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बच्चे तो इसे बहुत पसंद करते हैं। इधर जो हमने कस्टर्ड तैयार किया है वो थोड़ा ठंडा हो चुका है, हमने गैस से इसे उतार लिया है और अब हम इसमें सारे फ्रूट मिक्स कर देंगे। हम इसे गैस पर रखते चलाते हुए पकाते हुए नहीं फ्रूट ऐड करते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाता है उसके बाद हम इसमें फ्रूट ऐड करते हैं। देखिए मैंने सारे फ्रूटों को एक एक करके इसमें इस तरीके से मिक्स कर दिया है। आप जो भी पसंद के फ्रूट पसंद करते हैं आप वो फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास घर पर यही फ्रूट अवेलेबल थे तो मैंने ये सारे फ्रूट इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। देखिए चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। हमारा कस्टर्ड रेडी है, बस इसे थोड़ा सा हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और इसे 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो चिल्ड हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद ही कस्टर्ड खाने में अच्छा लगता है। 2 घंटे हो गए हैं, हमने कस्टर्ड निकाल दिया और एक सर्विंग प्लेट में इसे
निकाल दिया है। मैं इसे सेवफल और अनार के दानों से गार्निश कर रही हूँ। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। आप जो भी फ्रूट पसंद करते हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे केसर के धागे ऊपर से डाले हैं। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी है और ये काफ़ी चिल है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।